बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद आमिर योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 ऑफ आवर एलोकेटेड ग्रामेटिकल पोर्शन दैट कैन बी फाउंड ऑन पेज नंबर 126 एंड 127। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। एज यू नो वी हैव गॉट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की मुख्तलिफ काइंड्स होती हैं, इंक्लूडिंग नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन। रिमेंबर वी डू नॉट आस्क यू टू प्रोवाइड अस देयर डेफिनेशंस। हम आपसे कभी नहीं कहते कि आप इनकी डेफिनेशंस हमें प्रोवाइड करें। वी आर इन अ हैबिट ऑफ गिविंग यू सम सेंटेंसेस। हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में कुछ सेंटेंसेस देते हैं, उनमें से कुछ वर्ड्स को हम अंडरलाइंड देते हैं या कुछ को हम बोल्ड प्रिंट में आपको प्रोवाइड करते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। सो ओपन योर बुक्स एंड ओपन पेज 126। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर 1। स्टेट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन बोल्ड प्रिंट इन ईच सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो वर्ड बोल्ड करके लिखे गए हैं आपने बताने हैं कि वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इफ लुक एट सेंटेंस नंबर 1, वी वॉच द सॉकर मैच यस्टरडे। इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू मे फाइंड अ वर्ड मैच इन बोल्ड प्रिंट। इस सेंटेंस में जो बोल्ड प्रिंट में मोटा करके वर्ड लिखा गया है वो मैच है। आपने इसे बताना है कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दे वॉच द सॉकर मैच यस्टरडे। उन्होंने कल फुटबॉल का मैच देखा। मैच खेल, अ नेम ऑफ प्लेस पर्सन थिंग, ये नेम ऑफ थिंग है, दैट सो मैच इज यूज एज अ नाउन इन दिस सेंटेंस। ड्रॉ अ लाइन इन फ्रंट ऑफ एवरी सेंटेंस एंड राइट नाउन ओवर देयर। टर्न टू सेंटेंस नंबर 2, देयर कैरेक्टर्स डू नॉट मैच। अगेन इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस मैच इज रिटन इन बोल्ड प्रिंट। इसमें मैच को अगेन बोल्ड प्रिंट में लिखा गया है, थोड़ा सा मोटा करके लिखा गया है। अब आपने बताना है यहाँ पर मैच कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देयर कैरेक्टर्स डू नॉट मैच। रिमेंबर किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, कुड नॉट, वुड नॉट के बाद हमेशा वर्ब आता है। इसकी अगर हम उर्दू करें, उनके किरदार आपस में मैच नहीं करते, मेल नहीं खाते। एज यू नो मेल खाना इज एक्शन वर्ड, सो यहाँ पर मैच एज ए वर्ब यूज हुआ है। टर्न टू सेंटेंस नंबर 3, टाइम योर वर्क वेल। अपने काम को सही तरीके से वक्त दीजिए। रिमेंबर इट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये एक हुक्मिया फिक्रा है। टीचर जैसे आपको कहते हैं सिट डाउन, कम हेयर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, गेट आउट ऑफ द क्लास रूम, वाटर द प्लांट्स। रिमेंबर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की सबसे प्रोमिनेंट पहचान ये होती है, दे ऑलवेज स्टार्ट विद वर्क। जैसा कि आपको इस सेंटेंस में टाइम को बोल्ड करके लिखा गया है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको पहले बताया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब्स, तो यहाँ पर टाइम एज ए वर्ब यूज हुआ है। टर्न टू सेंटेंस नंबर 4, डू यू रियलाइज व्हाट टाइम इट इज़। कि आपको एहसास है क्या वक्त हुआ है। इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस अगेन टाइम इज रिटन इन बोल्ड प्रिंट। आपने बताना है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या आपको एहसास है क्या वक्त हुआ है। वक्त, ब्रिंग इन योर माइंड द डेफिनेशन ऑफ नाउन, द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, टाइम इज अ थिंग, सो इट इज यूज एज नाउन इन द सेंटेंस। टर्न टू सेंटेंस ई, दे लिव इन प्रॉस्पेरिटी। वो खुशहाली में जिंदगी बसर करते हैं। जिंदगी बसर करना, रहना इज एन एक्शन वर्ड, सो इट इज वर्ब। टर्न टू सेंटेंस एफ, देर वॉज अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ द कंसर्ट। वहाँ पर कंसर्ट की बराह रास्त नशरियात थी। इस सेंटेंस में आपको अगेन लाइव, इसको लिव मत पढ़िएगा, जस्ट प्रोनाउंस इट लाइव। लाइव को बोल्ड प्रिंट में लिखा गया है। जस्ट ब्रिंग इन योर माइंड द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स नाउन। इसके बाद टेलीकास्ट नशरियात नाउन है,
जब एक वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, इट बिकम्स योर एडजेक्टिव। नाउ टर्न टू सेंटेंस जी, मैनी ओल्ड पीपल लीड लोनली लाइव्स। इस सेंटेंस में जो बोल्ड प्रिंट में वर्ड लिखा गया है वो लाइव्स है। कई बूढ़े लोग तनहा जिंदगियां बसर करते हैं। लाइव्स इज अ प्लूरल ऑफ लाइफ, सो इट इज़ अ नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ थिंग। तो आपने इसके सामने लाइन ड्रॉ करके नाउन लिखना है। टर्न टू सेंटेंस एच, ही लिव्स इन अ हाउस बाय द सी। वो समंदर के करीब वाले घर में रहता है। रहना इज एन एक्शन वर्ड, सो ये आपका वर्ब है। ड्रॉ लाइन इन फ्रंट ऑफ इट एंड राइट वर्ब। पीपल आर यूजली काइंड टू दोज इन नीड। लोग आम तौर पर मोहताज अफराद के साथ मेहरबानी वाला सलूक करते हैं। दिस वर्ड काइंड, इट इज़ क्वालिफाइंग पीपल नाउन। ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है लोगों को। जो कोई वर्ड क्वालिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है नाउन को, इट बिकम्स योर एडजेक्टिव। सो ड्रॉ लाइन इन फ्रंट ऑफ सेंटेंस आई एंड राइट एडजेक्टिव। टर्न टू सेंटेंस जे, दिस इज द काइंड ऑफ मैन आई डिटेस्ट। ये उस किस्म का शख्स है जिससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस काइंड इज रिटन इन बोल्ड प्रिंट। और आपने बताना है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। दिस इज़ द काइंड ऑफ मैन आई डिटेस्ट, ये उस किस्म का शख्स है जिससे मैं शदीद नफरत करता हूँ। किस्म, अ नेम ऑफ थिंग, देन इट बिकम्स योर नाउन। आपने ड्रॉ करना है लाइन को और यहाँ पर काइंड एज ए नाउन यूज हुआ है। नाउ टर्न टू पेज 127, एक्सरसाइज नंबर 2। स्टेट वेदर द वर्ड इन बोल्ड प्रिंट इन ईच सेंटेंस इज अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव, अ प्रेपोजिशन, अ कंजंक्शन और एन इंटरजेक्शन। आपने इन सेंटेंसेस में जितने बोल्ड प्रिंट में मोटे करके अल्फाज लिखे गए हैं, आपने इन्हें बताना है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या इंटरजेक्शन है। सो आई एम गोइंग टू रीड इट्स फर्स्ट सेंटेंस ए। पीटर इज नेवर लेट फॉर स्कूल। पीटर स्कूल से कभी देर नहीं करता है। आप देखें इस सेंटेंस में नेवर को बोल्ड प्रिंट में लिखा गया है। नेवर से पहले क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब है। एनी वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मॉडिफाइज वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, इट बिकम्स योर एडवर्ब। तो यहाँ पर नेवर जो है एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। सो ड्रॉ लाइन इन फ्रंट ऑफ इट एंड राइट एडवर्ब। टर्न टू सेंटेंस बी, इट रेन्ड द होल नाइट। सारी रात बारिश हुई। रेंड, बारिश होना, इट इज़ एन एक्शन वर्ब। सो ड्रॉ लाइन इन फ्रंट ऑफ इट, यहाँ पर रेंड जो है एज ए वर्ब यूज हुआ है। टर्न टू सेंटेंस नंबर सी, द क्वायर प्रैक्टिस्ड हार्ड फॉर द शो। बैंड ने अपने प्रोग्राम के लिए, शो के लिए सख्त मेहनत की, सख्त मुशक्कत की। इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हार्ड इज रिटन इन बोल्ड प्रिंट। इस सेंटेंस में हार्ड को बोल्ड करके, मोटा करके लिखा गया है। आपने देखना है इससे पहले कौन सा वर्ड है। प्रैक्टिस्ड, ये वर्ब है। जब कोई एक वर्ड मॉडिफाई करे वर्ब को, डिस्क्राइब करे वर्ब को, इट बिकम्स एन एडवर्ब। तो आपने सामने लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हार्ड एज एन एडवर्ब यूज हुआ है। टर्न टू सेंटेंस डी, द फिशरमैन रिटर्न विद अ बिग कैच। मछेरा एक बहुत बड़ी पकड़ के साथ वापस लौटा। इन दिस सेंटेंस बिग इज रिटन इन बोल्ड प्रिंट। जस्ट लुक एट द नेक्स्ट वर्ड कैच, पकड़, इट इज़ अ नाउन। जब कोई लव्स डिस्क्राइब करे नाउन को, इट बिकम्स योर एडजेक्टिव। तो आपने सामने लाइन ड्रॉ करनी है और बिग इस सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। टर्न टू सेंटेंस ई, वेल डिड यू हैव अ गुड टाइम। ठीक है, क्या आपने अच्छा वक्त गुजारा। रिमेंबर कि सेंटेंस में जो वेल है, जब भी कोई सेंटेंस वाओ, हुरा, अलास, वेल, इन वर्ड से शुरू हो, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शन बिकॉज दे शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस।
सो यहाँ पर सेंटेंस, इस सेंटेंस में वेल जो बोल्ड प्रिंट में लिखा गया है ये आपका इंटरजेक्शन है. ड्रॉ लाइन इन फ्रंट ऑफ इट एंड राइट इंटरजेक्शन. सेंटेंस एफ, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री. बच्चा इसलिए रो रहा है क्योंकि वो भूखा है. इन दिस सेंटेंस बिकॉज इज रिटन इन बोल्ड प्रिंट. और आपने बताना है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. रिमेंबर व्हेन अ वर्ड जॉइंस टू सेंटेंसेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट बिकम्स योर कंजंक्शन. अगर मैं कहूँ अली एंड आसिफ आर ब्रदर्स, इसमें एंड कंजंक्शन है. ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, इसमें बट कंजंक्शन है. तो एफ सेंटेंस के सामने आप लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर बिकॉज जो है वो कंजंक्शन यूज़ हुआ है. टर्न टू सेंटेंस जी, इज़ दैट जोसेफ विस्लिंग. क्या ये जोसेफ सीटियाँ मार रहा है, सीटियाँ बजा रहा है. जोसेफ इज़ अ नेम ऑफ पर्सन. आपको पता है ये नाउन होता है, तो इट वॉज वेरी इजी. नाउ टर्न टू सेंटेंस एच, देर इज़ नो सीक्रेट बिटवीन अस. हमारे दरमियान कोई राज नहीं है. अ वर्ड विच शोज रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स इज प्रेपोजिशन. अगर मैं कहूँ देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ऑन इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन है क्योंकि ये दो नाउन्स के दरमियान ताल्लुक को शो कर रहा है. तो यहाँ पर बिटवीन जो बोल्ड प्रिंट में लिखा गया है ये प्रेपोजिशन है. मिसेज अनवर वर्कड सो हार्ड दैट शी फेल इल. मिसेज अनवर ने इतनी मशक्क़त की, इतना सख्त काम किया कि वो बीमार पड़ गई. इन दिस सेंटेंस शी इज़ रिटन इन बोल्ड प्रिंट. इस सेंटेंस में शी मोटा करके लिखा गया है. आपने बताना है कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. हम जानते हैं एनी वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, कोई ऐसा लफ्ज़ जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन होता है. तो यहाँ पर शी जो है वो एज ए प्रोनाउन यूज़ हुआ है. टर्न टू सेंटेंस जे, पुट द पार्सल ऑन द टेबल. अगेन ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. मैंने आपको पहले बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस की मोस्ट प्रोमिनेंट पहचान ये होती है, दे ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब्स. तो ये पुट जो है एज ए वर्ब यूज़ हुआ है. नाउ आई एम असाइनिंग यू एक्सरसाइज नंबर 4. यू हैव टू डू इट बाई योर ओन. आपने एक्सरसाइज नंबर 4 खुद करना है. देर इज़ नो नीड टू पैनिक. जस्ट कच्ची पेंसिल लीजिए और इसको ट्राई करना शुरू करें. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू सेंड यू इट्स सॉल्व एक्सरसाइज इन माई व्हाट्सएप ग्रुप. रिमेंबर, कोई भी ऐसा बोल्ड वर्ड जो किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम होगा वो नाउन होगा. ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को शो करेगा, एक्शन वर्ड होगा, वो वर्ब होगा. ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन होगा. ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा नाउन को, एडजेक्टिव होगा. ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा वो एडवर्ब होगा. ऐसा वर्ड जो दो नाउन्स के दरमियान रिलेशन को शो करेगा, इन, ऑन, एट, बिलो, राइट, अप, ये प्रेपोजिशन होगा. ऐसा वर्ड जो सडन फीलिंग्स को, इमोशन को शो करेगा वो इंटरजेक्शन होगा. एंड वेयर एज लास्ट वन इज़, ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करेगा वो कंजंक्शन होगा. इट इज़ एंड ऑफ माई लेक्चर. इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू मे कंसल्ट मी थ्रू व्हाट्सएप. अंटिल देन टेक केयर. बाय बाय.